Hello friends, my name is Harinder Yadav and you are watching my channel Math with Harinder Yadav. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आज मैं उनको सोल्व करने का एक ऐसा तरीका बताऊँगा आपको कि आप उसको 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंडर रूट 12 गुणा अंडर रूट 12 गुणा अंडर रूट 12 गुणा 12 और सो ऑन इन्फिनिटी। यदि 12 की जगह यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहाँ भी दिखाई दे जाए तो आपको इसको कुछ नहीं करना, इसका आंसर यही होगा जो अंडर रूट में होगा। इसकी जगह कोई वैल्यू हो सकती है तो यही इसका आंसर होगा, इसका आंसर है 12। बस शर्त यह है कि ये इन्फिनिटी होना चाहिए यहाँ पे, सो ऑन इन्फिनिटी तक और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 12 गुणा अंडर रूट 12 गुणा अंडर रूट 12 गुणा अंडर रूट 12 और सो ऑन इन्फिनिटी तक होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सीधा आंसर लिखना है 12, तो इसका आंसर होगा 12। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और सो ऑन इन्फिनिटी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं उपले क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे है प्लस का निशान यानी कि ऐड। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऐसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। 12 से अगली कौन सी ऐसी टर्म होगी जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी और उसके लिए हम क्या जोड़ें। यहाँ पे जब भी प्लस का निशान है तो हमें जोड़ना है उसके अंदर, तो कितना जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अगली जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमें पता है 16 है, 16 है क्योंकि वो 4 की परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है हमें पता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 12 में 4 यदि हम जोड़ दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, केवल यही करना है कि ऐसा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर बना दें, क्या इसमें जोड़ दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बना दे उसको। तो 4 इसमें यदि जोड़ देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी जगह और भी संख्या हो सकती है, चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 और सो ऑन इन्फिनिटी तक है। सो ऑन इन्फिनिटी होना चाहिए, ये मैं बता दूं आपको, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए तभी ये रूल लागू होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब हमें वो नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर है 16। तो 13 में क्या जोड़ दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि 3 जोड़ दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 13 के अंदर यदि 3 जोड़ दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा यानी 16 वो टर्म बन जाएगी, तो इसका आंसर होगा 3। बस यही करना था इन क्वेश्चनों में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 सो ऑन इन्फिनिटी। दोस्तों यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें क्या करना है कि हमें, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें वो नंबर चाहिए जो इस संख्या से माइनस करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल के दे, यानी कि इससे कम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है, हमें पता है 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों हमें 12 में से क्या माइनस किया जाए हमारे द्वारा कि वो 9 बना दे, यानी कि 3 यदि 12 में से लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें वो टर्म बनानी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जब भी हमें माइनस नजर आए तो माइनस करना है और जब भी हमें प्लस नजर आए तो प्लस करना है। तो यहाँ पे माइनस है
तो माइनस करना होगा, यानी कि माइनस तीन यदि कर दें तो नौ बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वेयर है, नौ एक परफेक्ट स्क्वेयर है, तो माइनस तीन करते हैं वो परफेक्ट स्क्वेयर आ रहा है, तो तीन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं फ्रैक्शन के अंदर, नंबर दिए हुए हैं 11/13, 15/17, 19/27, और इसमें पूछ क्या रहा है कि विच वन इज स्मॉल, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये पूछा है इसने। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2, 13 में से 11 गए 2 बच गए, 17 में से 15 गए 2 बच गया, और 23 में से 19 गया तो कितना बच गया, 4। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको लेना है, 11 डिवाइड बाय 2 कर देना है, दूसरा 15 है दूसरे की तो 15 डिवाइड बाय 2 कर देना है, और यहाँ पे है 19 तो 19 को 4 से डिवाइड कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 और 2 5 10, 5.5, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 7 14 और 2 5 10, इसमें कितना आएगा, 4 4 16, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, बस ये आ गई। अब हमें देखना क्या है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी हमें नजर आ रही है 4.75, यानी कि ये सबसे छोटी है, और यही हमारा आंसर होगा, 19/23 इज द स्मॉलेस्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।